कवर्धा ब्लॉक पंडरिया से 20 किलोमीटर दूरी पर ग्राम दमगढ़ में 50 बैगा परिवार के बसे हुए हैं। पिछले 10 वर्ष के बाद उनकी पुरानी परंपरा रीनाकर्मा नाच शुरू हुई है, क्योंकि वहां के लड़की लड़का ध्यान नहीं देते थे। अचानक माटपुर छितरडबड़ी के लड़कियां ने आकर हमारे गांव में पुरानी परंपरा को लुप्त होने से बचाया गया। आप मन के रिश्ता कैसे जुड़ी इसमें? नाचते नाचते जुड़ गए दीदी। कौन गांव के रहे? पूरी। आप मन के रिश्ता जुड़ी से तो आप मन कैसे महसूस करत हो? बहुत खुश महसूस करत हूँ दीदी। शादी कब होइस? नाच के आने बाद 2-4 दिन बाद होई गए शादी दीदी। तो गांव वाला के का विचार है और घर वाला बन के? गांव वाले भी खुश हैं, घर के भी खुश हैं। ये जो रीनाकर्मा का नाच क्या कारण है? पूर्वज से वो नाचते नाचते आए हैं दीदी। राजा दशरथी हो तहाँ शुरू होते हैं हमारे नाच। ये त्योहार तो है वह 12 महीने के 12 महीना। आप लोग का त्योहार है ये? हाँ, इसने जुड़े हैं लड़का लड़की एम जुड़ जाता है, बताते बताते तो जुड़ जाते हैं। दोनों के मिल गए तहाँ फिर अंगनी मंगनी सब हो जाता है। महिलाओं के लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए खास है कि बैग फरिया पहन कर आकर लड़का पसंद कर ले। बैग फरिया पहनते और एक दूसरे ला छुट्टी छुट्टा रहते हैं, दोनों गला पसंद कर लेते और शादी कर लेते हैं। हाँ, शादी कर लेते। तो आप लोग आप यहाँ आए हो तो आप किसी लड़का को पसंद किए हो? हमारे दमगढ़ गांव में बैगा परंपरा लुप्त हो गया था, ऐसा प्राचीन परंपरा लागू होना चाहिए और पुरानी सांस्कृतिक के माध्यम से दर्शाना चाहिए। मैं दीना गणवीर, ग्राम दमगढ़, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।